गाइस देखो कितने कितनी अच्छी डेकोरेशन करी हुई है ना। तो गाइस ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये, आई थिंक इसको शांति स्तूप कहते हैं जहाँ तक मेरे को पता है। वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस सलूजा व्लॉग। मॉर्निंग गाइस, हम उठ चुके हैं, सुबह के बज रहे हैं 9। वैसे उठ तो पहले गए थे पर अभी तक लेटे ही हुए हैं आलसी की तरह। काम धंधा तो है नहीं यहाँ पे। हमारे दीदी और जीजू इतने आलसी हैं कि इतना सिंचन तो भी नहीं होगा। हाँ देखिए बोलिए। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एवरीबॉडी चार अंग्रेज। हाँ बोलो आगे। हाँ बोलो। इसलिए तो सामने आए। और हमारे दीदी और जीजू बहुत आलसी हैं, जैसे कि सिंचन होता है। अच्छा और वंश, थैंक यू। और वंश के बारे में कुछ बोलना चाहेगी? वो खुद अपने बारे में बोल सकते हैं, मेरे दुश्मनों से बात नहीं करती। वंश तो कुछ बोलना चाहता है, बोलने की जरूरत ही ना है। एक बार सनी देओल वाला डायलॉग मार दे। अब तो ये देखो गाइस, ये शर्माता बहुत है। शर्माने को तो ना लो गाइस। ओए फालतू बकवास मत करिए, बहुत बेकार लग रहे हो। वरना कीचड़ उठा दूं। बहुत ही बेकार लग रहे हो। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ चुका हूँ, तो थोड़ा सा बिजी था। शिवानी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको कोल्ड हो रखा है, तो रेडी वेडी तो हो ही नहीं। मैं रेडी हो गया, मैं चलो मैं ही वीडियो बना लेता हूँ। तो मैं गया था आप उससे समोसे लेने, अभी समोसे लेके आया हूँ। हम नाश्ते में खाएंगे समोसे, समोसा पार्टी करेंगे बच्चा लोग और बड़े लोग। फिर तो इसके बाद मिलते हैं आपसे, क्योंकि आज हम घर के लिए भी निकल जाएंगे थोड़ी देर में। तो गाइस हमने समोसे खा लिए हैं, बहुत अच्छे थे, टेस्टी थे। अब हम आ गए हैं धूप में, खाद डाल दिया। गांव वाला फीलिंग तो पूरे ले लेना, फिर तो हम दिल्ली जा रहे हैं वापस। फिर कहाँ ये फीलिंग मिलनी है ना भाई। मैं थोड़ी सी धूप सेक लें है ना। शिवानी बबी गई है रेडी होने, क्योंकि फिर हम निकल रहे हैं घर के लिए। हेलो गाइस, हमने थोड़ी सी धूप देख ली है। ये देखो सामने पैनी बैठी है, पैनी हेलो कर दो। पैनी के पीछे मेरी बैठी है, पैनो बैठी है। पैनो को फीवर हो रहा है और उसको कोल्ड भी हो रहा है, पता नहीं बेचारी सफर कैसे करेगी। मैं कहा थोड़ी देर धूप सेक लो, फिर थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, फिर चलते हैं। ये ओल्ड भी हो रही है और इनको कोल्ड भी हो रही है। हाँ बुढ़ी भी हो रही है ना टाइम के साथ साथ। क्या कर सकते हैं। और ये देखो ये पैना, ये पैना बैठा है। तो गाइस हम बस निकलने वाले हैं 10-15 मिनट में, फिर दिल्ली के लिए निकलेंगे। फिर आपको दिखाते हैं रास्ते में जहाँ जहाँ रुकेंगे, अगर नहीं रुकेंगे तो सीधे मिलेंगे फिर दिल्ली। यस यस। तो गाइस हम निकल गए, रेडी हो गए। बाय 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 बाय। गाइस ये जा रहे हैं अपने घर। ओए इसकी तो बना दो। सेजवान आज खुली है इतने दिनों में। शट अप। चलो गाइस हम जा रहे हैं। तो गाइस हम रास्ते में रुके थे क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और शिवानी की आंखें नहीं खुल रही थी। हम टोल टैक्स पे पहुंच गए हैं। ये देखो शिवानी के लिए मास्क लिया है और चश्मा भी लिया थोड़ा सा, क्योंकि आंखों पे हवा नहीं जाएगी ना इसलिए। तो अब हम निकल रहे हैं दिल्ली की ओर, बस हापुर के टोल टैक्स पे हैं। तो गाइस हम फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो दिल्ली जब हम यमुना पार करते हैं तो इंद्रप्रस्थ पार्क है यहाँ पे ना, एक बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है। तो मैं कहा चलो थोड़ी देर यहाँ पे स्टे करते हैं, थोड़ा खा भी लेते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं ना, क्योंकि यहाँ से अभी हमारा घर तो दूर है उत्तम नगर। तो मैं कहा चलो यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ा सा आपको दिखा भी देंगे लोकेशन कैसी है। देखो हम पार्क के अंदर आ चुके हैं, इंद्रप्रस्थ पार्क। देखना कितना साफ सुथरा पार्क है और कितनी अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पे, है ना। देखो गाइस काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ये हमारे इंडिया का फ्लैग। देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है। और उधर देखो फ्लावर्स, देखो फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं, दिखाते हैं आपको गाइस। ये देखो कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, वाह कितनी अच्छी डेकोरेशन करी हुई है, देखना गाइस है ना। और उधर भी देखो ऐसी डेकोरेशन करी हुई है, यार कितने प्यारे लग रहे हैं। इसकी ना टिकट नहीं है कुछ भी, और इसकी कोई भी टिकट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सिर्फ पार्क। हाँ और 5 o'clock तक इसकी टाइमिंग है, बाकी कैंटीन सामने है, पार्किंग का है जो है। यस
वो देखो किसी ने नहाना नहुना भी नहा भी सकता है गर्मी में, जैसे कोई नहा के नहीं आता तो यहाँ पे नहा सकता है, इंजॉय कर सकता है, है ना, जैसे शिवानी जैसे। वो देखो गाइस सामने शांति स्तूप बना हुआ, कितना अच्छा, कितना प्यारा लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं फ्लावर्स। हाँ यहाँ पे फोटो क्लिक करते हैं गाइस, और देखो कितने सोने सोने फुल ने इतने फुल, वाओ कितने प्यारे प्यारे हैं गाइस, देखो कितने कितनी अच्छी डेकोरेशन करी हुई है ना। ये क्या है? तो गाइस ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये, आई थिंक इसको शांति स्तूप कहते हैं जहाँ तक मेरे को पता है, बाकी हो सकता कुछ और भी हो, आई एम नॉट 100% श्योर, है ना, बट बहुत प्यारा लग रहा है। देखो दिखाते हैं इसका गेट, ये देखो इसका गेट है, है ना, आपको यहाँ तक जा सकते हैं अंदर, बिल्कुल जा सकते हैं, देखो पर शूज उतार के जाने पड़ेंगे गाइस। देखो क्या क्या ही जगह गाइस, देखो कितनी प्यारी जगह है, तो हम इसके अंदर जाएंगे गाइस, ये बहुत अच्छी साइड में पार्क है, तो हम इसके अंदर चलेंगे फिर आपको दिखाते हैं वीडियो। तो गाइस कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे व्यू, आ जाओ आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे आके भाई जूते चप्पल बाहर उतार के हम भी आते थे स्कूल में, अगर तू पी ना थी फिर ग्रिल, तब तो मैं मोटी कोई नहीं थी। देखो यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति है, यहाँ से दिखाओ व्यू, देखो यार मेरा व्यू नहीं दिखाना गाइस, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, देखो यहाँ पे और भी बंदे हैं, देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है, देखो ना सामने, वहाँ जाके दिखाते हैं आपको गाइस। यहाँ पे एंट्री तो बंद है पर बाहर से कोशिश करूँगा कवर करने की, देखो कितनी प्यारी जगह है, मैं बोलूँगा अगर आप इधर यमुना वाली साइड से आते हो अपना दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे से, तो ये बिल्कुल जब आप दिल्ली में एंटर करते हो ना अक्षरधाम के बाद यमुना क्रॉस करके, तो ये पार्क पड़ता है, बहुत ही प्यारा पार्क है, तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत मज़ा आएगा और यहाँ पे बहुत अच्छी फोटोग्राफी भी हो जाएगी, और कोई कैमरे के ऐसा नहीं कि मना ही गया या कुछ, है ना, जैसे मर्जी ऊपर आप वीडियो बनाओ चाहे नीचे बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बाबू हेलो, हेलो कर दो, हेलो गाइस, गाइस देखो कितना प्यारा लग रहा है, गाइस कितना प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ पे, ये कितना प्यारा व्यू लग रहा है, देखो ओए अपनी शक्ल नहीं दिखाओ, व्यू भी दिखाओ ना पीछे, देखो गाइस उधर का भी दिखाओ, ऐसे घूम जाओ, आंखें नहीं खोली, बहुत तेज धूप है ना। तो गाइस देखो यहाँ पे काफी सारे झूले भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए, तो बच्चे भी अपना एंजॉय अच्छे से कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे विद फैमिली आ सकते हो, और सामने देखो कैंटीन भी है, और कैंटीन में आप कुछ खा भी सकते हो, देखो बैठने के लिए भी बना हुआ है, मतलब अच्छा है पार्क। हाँ जी देखो गाइस कितने सारे स्कूल के बच्चे बैठे हैं, दिखाते हैं मेरे को लगा टीचर्स बैठी हैं, देखो कितने सारे स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं सामने, अगर आपको दिख रहा है, एक्चुअली धूप भी बहुत है ना, तो बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे आ सकते हो आप विद फैमिली। गाइस हमने चाउमीन खाए हैं कैंटीन से, अच्छे थे चाउमीन, बिल्कुल घर जैसे थे, मेरे को लग रहा उस दिन ऑटो वगैरह नहीं यूज़ करा था ना, तो यहाँ पे पिकनिक पे बहुत सारे बच्चे भी आ रखे हैं फैमिलीज के साथ, छोटे 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 बच्चे आ रखे हैं, हम तो खैर पिकनिक में स्पेशल आए नहीं, हमें तो पता भी नहीं था कि हमने यहाँ पे स्टे लेना है, तो हम तो एक्चुअली इसके ससुराल से आ रहे थे, हापुड़ से, मतलब मेरे ससुराल से आ रहे थे, तो रास्ते में था, मैं क्या चलो थोड़ा सा वैसे बंदा थक गया, मैं क्या चलो थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाते और चलो दिखा भी देते, अच्छी जगह लग रही थी देखने में, तो हम कई बार निकल के गए ना इधर को, सोचते थे जाएंगे, हाँ बाहर से ना हमें वो शांति स्तूप दिखता है, मैं कह यार कोई यार अच्छी जगह लग रही है घूमने की, यहाँ पे रश भी होता था पर वो हर बार आ ही जाता, मैं क्या अब तो रुक ही जाते हैं, चलो इस मतलब व्लॉग भी कवर हो जाएगा और थोड़ा सा आपको दिखा भी देंगे कि क्या क्या इसमें घूमने के लिए है ना, अब तो सबके बारे में सोचना पड़ता है। तो ठीक है गाइस थोड़ा सा हम यहाँ पे बस 10 मिनट रेस्ट करके फिर हम निकलेंगे वापस अपने घर की ओर। गाइस हमारा रेस्ट हो गया 5-10 मिनट का, तो अब हम जा रहे हैं घर की ओर,
धीरे धीरे निकलते हैं, फिर घर जाके आपको मिलते हैं, अगर रास्ते में मिलना हुआ तो मिल लेंगे आना। अभी क्योंकि इसकी दवाई भी लेनी है, थोड़ा इसको कोल्ड हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, हल्का फीवर हो रहा है, फिर भी हम आ गए। ठीक है गाइस, बाय बाय। गाइस हम घर पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक गए, मैं भी क्लासेस ले रहा था तो बीच में वीडियो नहीं बना पाया, तो गाइस बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अभी हम सोने जा रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं और वैसे भी आज थकावट बहुत हो गई थी, तो मैं आके क्लासेस लेने गया तो वीडियो नहीं बना पाया, थोड़े से शिवानी की तबीयत भी ख़राब थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर।